हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुखा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, HTML5 को सीखने के सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 19 है, पार्ट 19 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि लिस्ट सीरीज़ का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ चुके हैं, और इसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो टैग यूज़ होंगे वो है DL टैग, DD टैग और DD टैग। ये तीन, इन तीन टैग का यूज़ करके हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं HTML5 में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या है। देखिए, आपने बहुत सारी बुक्स में या वेबसाइट में देखा होगा कि अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसके नीचे, उसके बिलो उस वर्ड के, उसकी डेफिनेशन लिखी होती है थोड़ा सा स्पेस छोड़कर। तो ये चीज़ अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करेंगे। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम HTML का एक बार एग्जांपल करते हैं लाइव नोटपैड प्लस प्लस में, ताकि हमको बेहतर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। उससे पहले मैंने यहाँ पर तीन चीज़ लिखी हुई है कि DD जो कि डेटा डेफिनेशन होता है, DT टैग जो कि डेटा टर्म टैग होता है, DL जो कि डेटा लिस्ट होता है। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डेटा लिस्ट। तो हम क्या ओपन करेंगे, DL टैग को ओपन किया हमने, मींस डेटा लिस्ट टैग को ओपन किया, और डेटा लिस्ट टैग को हम ऐसे क्लोज कर लेंगे। मींस DL टैग लिख के और DL टैग को क्लोज करने से हमने एक कंटेनर को बना लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सपोज करो किसी वर्ड को लिखना है, कोई वर्ड मैं चाहता हूँ मेरे DL टैग के कंटेनर के इनसाइड में वो शो हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा DT टैग, मीन्स डेटा टर्म। इस तरीके से डेटा टर्म मैंने टैग यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट। अब मैं चाहता हूँ इस, ये जो वर्ड है जावा स्क्रिप्ट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, डेटा डेफिनेशन टैग, DD टैग। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इट इज़ अ जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इस तरीके से इसको सेव करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज पे आके F5 के थ्रू। ये देखिए, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो मेरा वर्ड है, ये आया है DD टैग की हेल्प से, मतलब डेटा टर्म। और जो ये नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ा हुआ है, और ये आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको शो हो रही है, ये DD टैग की हेल्प से आई है, मतलब डेटा डेफिनेशन या डेटा डिस्क्रिप्शन, इसकी हेल्प से आई है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं दोबारा एक कोई दूसरा वर्ड देना चाहता हूँ तो वापस पहले मैं DT टैग को ओपन करूँगा, मतलब डेटा टर्म। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि HTML, लिखता हूँ HTML5। अब मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है, तो DD टैग ओपन किया, DD टैग को फिर मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं इसके इनसाइड में इसके यहाँ पे डेफिनेशन देता हूँ कि इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। सेव किया, वेब पेज पे आके हमने किया रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने DL टैग का यूज़ करके डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मैंने आपके सामने बना के दिखाया है। DL टैग मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि आपको तीन टैग की हेल्प होगी। पहला तो हम कंटेनर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ DL टैग, मतलब डेटा लिस्ट टैग की हेल्प से हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। अब उस कंटेनर में हमें डेटा टर्म लिखने के लिए, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट है, HTML है, ये वर्ड लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे DT टैग, डेटा टर्म, और उसकी डेफिनेशन देने के लिए हम यूज़ करेंगे DD टैग, मींस डेटा डेफिनेशन या डेटा डिस्क्रिप्शन। कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं डेटा लिस्ट को, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने HTML5 में। अगर मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँ इसको तो देखना क्या रिजल्ट आता है, वही सेम हमारा लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। सेव करते हैं, वेब पेज पर आते हैं, रिफ्रेश, कुछ इस तरीके से।
तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा इसमें किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ किया जाता है HTML में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि इस दी एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम HTML5 का पूरा कोर्स करेंगे, बाकी लेदर टेक्निकल लैंग्वेज को भी सीखेंगे, पूरा चीज़ सीखेंगे। और अगर आप यहाँ से पूरा ये कोर्स करते हैं और आपको लास्ट में सर्टिफिकेट की नीड होती है तो आप कमेंट में ना फ़ोन नंबर एड्रेस आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको आपका सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।